नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ गरिमा भारती। 22 दिसंबर को BPSSC यानी कि दरोगा बहाली की परीक्षा हुई थी। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के हर विषय के लिए भारतीय भवन का नया उपहार। दो वॉल्यूम में परीक्षा के नए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रिटन पास, ऑल इन वन गेस्ट पेपर। तो दिए अपनी परीक्षा की तैयारी को नई रफ्तार, रिटन पास गेस्ट पेपर के साथ। जिस दिन खबरें आने लगी कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, फर्स्ट हाफ से पहले ही कई विद्यार्थियों के पास परीक्षा का क्वेश्चन पहुंच गया था, साथ ही साथ आंसर शीट भी पहुंच गया था, जिसको लेकर लगातार दरोगा के अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कब तक आखिर इस तरह से बिहार में निकाली जाने वाली बहालियों में धांधली होती रहेगी। उनका ये इल्ज़ाम है कि जब भी बिहार में कोई बहाली निकाली जाती है, खास करके जब भी दरोगा की परीक्षा होती है, तो धांधली की खबरें आती हैं या तो क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो जाता है। इसको लेकर छात्र आज भी सड़कों पर निकलकर नीतीश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो BPSSC के मेंबर रामकिशोर सिंह पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही खबरों में दिखाया था कि उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो 25 लाख रुपए लेकर बहाली करते हैं, इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को पास कराते हैं। उनका भी नाम इस बार प्रदर्शन कर रहे छात्र ले रहे हैं कि इस तरह की धांधली लगातार बिहार में होती आई है, जिसके पीछे सरकार और इन जैसे लोगों का हाथ होता है। ये विद्यार्थी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के हर प्रतियोगिता परीक्षा में नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, राज्यसभा सांसद, और उनके इशारे पे और दो चार लोग और हैं जो पटना के दो तीन टीचर भी हैं, उनकी संलिप्तता की वजह से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है। और जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक नहीं होता है, उसमें रामकिशोर सिंह जैसे लोग 25 लाख रुपया लेकर DSP और डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं, और नीतीश कुमार जो है चुप्पी साधे हुए रहते हैं। रामकिशोर सिंह कौन है? रामकिशोर सिंह वो व्यक्ति है जो 25 लाख रुपया लेके BPSC का इंटरव्यू क्वालिफाई कराते हैं। BPSC का पूर्व मेंबर रह चुके हैं और उनपे जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और वही जो है सारा सेटिंग कराते हैं। उनके साथ दो तीन और राज्यसभा सांसद है, पटना के दो तीन टीचर है, वो लोग मिली भगत करके क्वेश्चन आउट करके दरोगा में, देखिए नवादा से, हाजीपुर से, आरा से क्वेश्चन आउट हुआ है। हम लोग के पास पूरा प्रूफ है, एग्जाम से पहले आंसर वायरल है, क्वेश्चन वायरल है। 500 लड़का एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम सेंटर पे DPS सेंटर पे क्वेश्चन वायरल किया जा रहा था, वहीं से बाहर किया जा रहा था। लड़का लोग जब देखा, स्टूडेंट लोग, तो वहाँ जब विरोध किया तो उसको पुलिस जो आके है डरा धमका रही है, पुलिस डरा रही है, और जब विरोध किया एग्जाम का तो क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग डिमांड यही कर रहे हैं कि नीतीश जी, आप जो सुशासन का छवि पहन के चोला पहन के घूम रहे हैं, आप अगर रियली में ईमानदार हैं तो बिहार के युवाओं की ये मांग है, इस पर CBI जांच करवाइए, परीक्षा रद्द कीजिए, दोबारा परीक्षा लीजिए, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है, अगर आपको सबूत चाहिए ना, तो आप मेरे पास आइए, मैं एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाके पुलिस को बोलिए ईमानदारी के साथ जाए, आपको पकड़ा जाए, कौन से टीम इन्वॉल्व। तो सुना आपने, साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। रामकिशोर सिंह को भी छात्र निशाने पर ले रहे हैं, काफी आक्रोशित हैं छात्र, गुस्से में कह रहे हैं कि आखिर इस तरह की धांधली कब तक चलेगी। साथ ही साथ पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जिन छात्रों ने या फिर जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं, उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए और दोबारा से ये परीक्षा ली जानी चाहिए, ताकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने सच में मेहनत की है, उनको उनका फल मिल सके। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।